तेरा बन जाए। क्यों झूठ मूठ का शोर मचाया जा रहा है कि हम प्रेग्नेंट हैं? शादी के बाद एक औरत बीमार नहीं पड़ सकती, सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट हो सकती है। आज झूठ बोलकर जो तुमने उन्हें खुशियां दी हैं, कल जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तब उन्हें और भी ज्यादा दुख होगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। नहीं टिक सकते जा रहे हैं प्रतिज्ञा को लाने, वो भी बताए कि अबे तू का कह रहा है? समझ है तुझको, तू बाबूजी के खिलाफ जाएगा औरत के लिए? अरे प्रतिज्ञा के लिए तो हम पूरी दुनिया के खिलाफ चले जाएं। ये तो हमारे बाप हैं। इतनी सी बात बुरी लग गई बाबूजी? एक बार भी सोचे हमारे सामने हमारी बीबी को बेइज्जत करके बाहर निकाले हमको कितना बुरा लगा होगा, सोचे? और जी अत्याचार करेंगे ना तो हम बाप बेटे के रिश्ते को भी भूल जाएंगे। जेलो, जेलो इसको बाबूजी। ये सब आपकी दी हुई ढील की वजह से हुआ है।
कि बाबा मनमोजी बन के उड़ता फिर रहा है और अब खिलाओ दुई दुई ठो पोता। अरे बचपन से इतना सर चढ़ा के रखा है इसको तो ये बदतमीजी तो करेगा। हमरी तो एक एक गलती ढूंढ के मारते पीटते रहे। हाथ पकड़ लिया। अरे मारा काहे नहीं तो चार लात साले को। सकल देख रहे थे उसकी का देख रहे थे। चूम लेते चूमा काहे नहीं उसको। अरे तू बात कर रहा कि मजाक कर रहा है बे? छोटे भाई के छाती पे बंदूक तानना आता है इन्हें कि उसको जाके समझाए कि उसका छोटा भाई बिगाड़ रहा है, ऊपर से बेहुदा हमारी गलती निकाल के मजा ले रहा है। अरे क्या कर रहे हैं आप सब? एक दूसरे पे गलती मर के मरिए कटिए। 20 दिन देखना बाकी रह गया था बस। इतना सब कुछ हो गया लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कि कौन है इसकी जड़। जाते जाते भी उड़दैनिया हमारे घर में कांटा बो गई। ये तो हमारा बाबा कभी ऐसा नहीं था कि अपने बाप का हाथ पकड़ ले। अभी ये दिन देखना बाकी रह गया था बस। क्या बेटा क्या हो, क्या सोच रहे हो? इतना मत सोचो, परेशान मत हो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा मम्मी? उस थप्पड़ की चोट हमारे दिल पर लगी है, इतनी आसानी से कैसे भूल जाए उस चोट को? प्रतिज्ञा बेटा, शादी के बाद हर औरत को अपना दिल मजबूत करना पड़ता है। दिल सिर्फ जिंदगी देने के लिए होता है, चोट का बोझ उठाने के लिए नहीं होता। और उस थप्पड़ का एहसास सिर्फ तुम्हें नहीं हमारे दिल पर भी हुआ है। लेकिन हमें बताओ, कौन सी ऐसी औरत है जिसे शादी के बाद बदलना नहीं पड़ता? कौन सी ऐसी औरत है जिसे शादी के बाद सहना नहीं पड़ता? मम्मी आप सही कह रही है कि शादी के बाद हर औरत को सहना पड़ता है, लेकिन हर चीज की एक हद होती है ना मम्मी। वैसे भी आप तो जानती है ना कि ये शादी हमारे लिए शादी नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, ना तो हम इससे भाग सकते थे ना ही इससे बच सकते थे। और जिस दिन हमें इस चीज का एहसास हुआ ना मम्मी, उसी दिन हमने तय कर लिया था कि हम ये शादी करेंगे। लेकिन मम्मी, हमारे इस फैसले का ये मतलब तो नहीं ना कि हम गलत चीज के आगे अपने हथियार डाल दें। मम्मी, हमारी लड़ाई अब भी जारी है, सच को जारी रखने की लड़ाई, और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे मम्मी, सही चीज को कायम रखने की लड़ाई। क्योंकि मम्मी, हम गलत को सही मानकर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। हमें अपने परवरिश और संस्कार पर पूरा भरोसा है। हमें विश्वास है कि हमारी बेटी ना तो कभी कुछ गलत करेगी और ना ही गलत सहेगी। अब आगे जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी से होगा। अब तुम आराम कर लो, थक गई होगी ना, हम बाद में आते।
जान जाए।